अर्णब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें परिवार से बात करने से रोका गया, दावा देने से भी रोका गया, लेकिन साथ ही उनके साथ हाथापाई भी करने का आरोप लगाया। इस पूरी घटना पर सोशल मीडिया पर दो धड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। फेक टीआरपी मामले में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आज तड़के 6:30 बजे मुंबई पुलिस की एक टीम अर्णब गोस्वामी के घर पहुंची और उन्हें अपने साथ ले गई। अर्णब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस पर उनके साथ हाथापाई करने का आरोप भी लगाया। अर्णब गोस्वामी के घर पर मुंबई पुलिस के पहुंचने और उन्हें वहां से ले जाने की पूरी वारदात रिपब्लिक टीवी के कैमरे में कैद हुई और उसका प्रसारण भी किया गया। रिपब्लिक टीवी का ये वीडियो फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां रिपब्लिक से जुड़े कुछ लोग इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि पुलिस उन्हें इस मामले की रिपोर्टिंग करने से रोक रही है। वहीं सोशल मीडिया में इस कार्रवाई पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ पुलिस वाले अर्णब गोस्वामी के घर के अंदर दाखिल होते हैं और उनसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अर्णब जाने के लिए मना करते हैं तो पुलिस वालों को जबरदस्ती करनी पड़ती है। अर्णब गोस्वामी एक सोफे पर बैठे पुलिस वाले से बहस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले थोड़ी देर उनसे बात करते हैं, फिर दो लोग जबरन अर्णब का हाथ पकड़ सोफे से उठा देते हैं। अर्णब बहस करते हुए दूसरे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। काफ़ी जदोजहद के बाद अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस अपने साथ वैन में ले गई। अर्णब ने पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें परिवार से बात करने से रोका गया, साथ ही उनके साथ हाथापाई भी करने का आरोप लगाया। कुछ लोग इस कार्रवाई को उचित बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे पत्रकारिता पर हमला बता रहे हैं। अर्णब के समर्थन में खड़े यूजर्स आई स्टैंड विद अर्णब के हैशटैग के साथ मुंबई पुलिस और शिवसेना को निशाने पर ले रही है।